हेलो गाइस, वेलकम टू टीवाईजे वर्ल्ड। रेडमी नोट 10 प्रो की MIUI 10.3.5 अपडेट आ चुकी है। ये 600 प्लस MB की OTA अपडेट है। अगर अभी आपके पास MIUI 10.2.10 है तो सबसे पहले अगर हम यहाँ इस अपडेट के चेंज लॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं चेंज लॉक काफी बड़ा है। यहाँ पे सिस्टम से लेकर फोन, लॉक स्क्रीन, स्टेटस बार, नोटिफिकेशन, शेड, कैमरा, लगभग हर एक पॉइंट पे चेंज किया गया है। यानी काफी बड़ी अपडेट है। इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया है फेस अनलॉक और साथ में नोटिफिकेशन और स्टेटस बार को। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक में काफी चेंजेस किए गए हैं। अब इसका एल्गोरिदम चेंज हो गया है। सबसे पहले जो डेटा कैप्चर करता था या डेटा रिकॉर्ड करता था उसकी टाइमिंग बढ़ गई है। अब यहाँ पे मोबाइल फेस का ज्यादा डेटा रिकॉर्ड करता है इसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। यानी कि फेस अनलॉक की इफिशियंसी और एक्यूरेसी काफी बढ़ चुकी है। लगभग हर एक कंडीशन में मोबाइल फेस के थ्रू अनलॉक हो रहा है। यानी कि फेस अनलॉक की एक्यूरेसी काफी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ एक्यूरेसी बढ़ने के साथ साथ स्पीड थोड़ी स्लो हो चुकी है फेस अनलॉक की। हमें ऐसा लग रहा है कि रेडमी नोट 10 प्रो में हमें अपडेट के बाद फेस अनलॉक की स्पीड थोड़ी स्लो देखने को मिल रही है। और अगर हम यहाँ पे इसके न्यू ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टे ऑन लॉक स्क्रीन का भी ऑप्शन मिलने लगा है। यानी कि अगर आप ये ऑप्शन ऑन रखते हैं तो जैसे ही आप फेस के थ्रू मोबाइल अनलॉक करेंगे मोबाइल लॉक स्क्रीन पर ही रहेगा, मेन मेन्यू पर नहीं जाएगा। आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन को स्लाइड करके या स्वैप करके ओपन करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये ऑप्शन ऑफ कर देते हैं तो मोबाइल सीधा मेन मेन्यू में जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल सीधा अनलॉक होके मेन मेन्यू में जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग स्पीड की बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग स्पीड हमें काफी फास्ट लगी प्रीवियस अपडेट से। यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैनिंग स्पीड में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एक्यूरेसी के साथ साथ यहाँ पे काफी फास्ट हमें फिंगरप्रिंट स्कैनिंग स्पीड मिलती हुई नजर आ रही है इस अपडेट के बाद। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कैमरे की बात करें तो कैमरे में वैसे तो कोई न्यू ऑप्शंस ऐड होते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे AI मोड में न्यू सीन्स ऐड किए गए हैं। तो हमने यहाँ पे कैमरे के चेंजेस जानने के लिए अपडेट से पहले और अपडेट के बाद काफी इमेजेस कैप्चर करी हैं सेम लाइटिंग कंडीशन सेम सिचुएशंस में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मैक्रो शॉट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं मैक्रो शॉट हमें दोनों ही वर्जन में यानी प्रीवियस वर्जन और MIUI 10.3.5 में बिल्कुल सिमिलर कलर रिप्रोडक्शन के साथ डिटेल कैप्चर करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अपडेटेड वर्जन में हमें सैचुरेशन लेवल कुछ इमेजेस में थोड़ा ज्यादा लग रहा था कंपैरिजन वाइज प्रीवियस वर्जन के, लेकिन ये कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। यानी कि यहाँ पे हल्का फुल्का डिफरेंस तो आया है एल्गोरिदम में। इसके साथ साथ कैमरा काफी स्मूथ वर्क कर रहा था। और अगर हम यहाँ पे 48MP वाले मोड की बात करें तो इस अपडेट के बाद सबसे ज्यादा जो इम्प्रूव हुआ है वो 48MP वाला मोड है। जब हम 48MP वाले मोड से इमेजेस कैप्चर कर रहे थे तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वर्जन के मुकाबले अपडेटेड वर्जन यहाँ पे ज्यादा डिटेल कैप्चर कर रहा था, काफी ज्यादा डिटेल कैप्चर कर रहा था। यानी कि अपडेट के बाद जो आपको 48MP वाला मोड मिल रहा है वो प्रीवियस वर्जन से ज्यादा इम्प्रूव्ड है, ज्यादा डिटेल कैप्चर कर रहा है। हालांकि कलर रिप्रोडक्शन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं था, लेकिन डिटेल अपडेटेड वर्जन यहाँ पे ज्यादा कैप्चर कर रहा था। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में भी कंटिन्यूअसली अलग अलग कंडीशन अलग अलग सिचुएशंस में इमेजेस कैप्चर करी हैं। तो आप देख सकते हैं जब हम पोर्ट्रेट मोड में इमेजेस कैप्चर कर रहे थे तो यहाँ पे दोनों ही सेम एल्गोरिदम पे वर्क करते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि हल्का फुल्का सैचुरेशन लेवल का ही डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा था जो अपडेटेड वर्जन में इम्प्रूव हुआ है। यानी कि कलर करेक्शन हम बोल सकते हैं अपडेटेड वर्जन में थोड़ा करेक्ट है, लेकिन इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हमने पोर्ट्रेट मोड में कंटिन्यूअस इमेजेस कैप्चर करी अलग अलग सिचुएशंस में और हमें दोनों का ही एल्गोरिदम बिल्कुल सिमिलर लगा और दोनों ही लगभग सिमिलर तरह से इमेजेस कैप्चर कर रहे थे। यानी कि कैमरे के 48MP वाले मोड में हमें चेंजेस देखने को मिले, उसके अलावा कलर करेक्शन का यहाँ पे या फिर कलर रिप्रोडक्शन का हल्का सा डिफरेंस आया है, उसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कैमरे में। इसके बाद अगर हम यहाँ पे वीडियो मोड की बात करें, अब हम यहाँ पे 1080p 30fps में वीडियो कैप्चर कर रहे हैं अपडेट के बाद, यानी MIUI 10.3.5 अपडेट के बाद हम वीडियो फुटेज कैप्चर कर रहे हैं और आपको शो कर रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन ऑन के साथ जब हम वीडियो फुटेज कैप्चर कर रहे हैं क्या अभी भी इसमें फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, कि यहाँ पे ये बग फिक्स कर दी गई है। तो हम इसे आपको प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करके दिखा रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप होने लगते थे जब हम आउटडोर कंडीशन में वीडियो शूट करते थे। यानी कि अभी तक हमें पर्टिकुलर 30fps नहीं मिल रहा है वीडियो में आउटडोर कंडीशन में जब डिटेल ज्यादा होती है। यानी कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस में वीडियो फुटेज कैप्चर की है और हमें कंटिन्यूअसली फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा था। अभी भी फ्रेमिंग्स रेडमी नोट 10 प्रो के आउटडोर कंडीशन में हमें देखने को मिल रही है। यानी मेजर अपडेट आने के बाद भी ये बग फिक्स नहीं की गई है।
वैसे मोबाइल स्क्रीन पर तो उतनी फ्रेमिंग होती हुई दिखाई नहीं दे रही जितनी पहले देती थी, लेकिन तो भी हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट चेक करके आपको बताएंगे कि स्प्लिट स्क्रीन पर किस तरह का यहाँ तो ये MIUI 10.3.5 अपडेट के बाद की फुटेज है जो हम आपको यहाँ शो कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे इंटरनेट के इशू के बारे में बात करें तो Redmi Note 7 Pro में हमें इंटरनेट स्पीड कंपैरिजन वाइज अदर डिवाइस के थोड़ी कम मिलती हुई नजर आती है। तो हमने यहाँ पे अपडेट के बाद इंटरनेट स्पीड भी टेस्ट किया, इसे हमने Samsung Galaxy A50 से कंपेयर किया है। आप देख सकते हैं हमने दोनों में ही जियो की सिम लगाई थी जिसपे हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट था और दोनों को सेम बैंड से कनेक्ट किया था, यानी कि सब चीज दोनों की सेम थी और हमने सेम टाइम पे स्टार्ट किया था यहाँ इंटरनेट स्पीड। आप देख सकते हैं ये जो टेस्ट चल रहा था उसमें Samsung Galaxy A50 ज्यादा डाउनलोड और अपलोड स्पीड शो करता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि अपलोड स्पीड में कोई मेजर डिफरेंस नहीं था, लेकिन डाउनलोड स्पीड हमें हर बार Samsung Galaxy A50 में ज्यादा मिल रही थी, यानी कि हम अभी भी ये बोल सकते हैं कि Redmi Note 7 Pro में इंटरनेट स्पीड का जो बग है या फिर जो कम इंटरनेट स्पीड हमें मिल रही है वो फिक्स नहीं किया गया है। इसके साथ हमने यहाँ पे छोटे छोटे टेस्ट भी किए, जैसे कि म्यूजिक से रिलेटेड ईयरफोन पे हमने साउंड टेस्ट किया तो ईयरफोन पे साउंड प्रॉपर आ रहा है जैसा प्रीवियस वर्जन पे आ रहा था, यानी कि साउंड में कोई चेंजेस नहीं आए इस अपडेट के बाद भी। और साथ में आपको सेटिंग्स में एक न्यू ऑप्शन ऐड होता हुआ नजर आ रहा है जिसका नाम है इमरजेंसी SOS एक न्यू ऑप्शन ऐड हो चुका है। इसमें जैसे ही आप जाएंगे तो आपको कॉन्टेक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। ये वो कॉन्टेक्ट होंगे कि इमरजेंसी में जब आप मोबाइल ऑपरेट करेंगे तो इन कॉन्टेक्ट्स में इमरजेंसी मैसेज सेंड हो जाएगा और साथ में आपकी लोकेशन शेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट ऐड करना है और पावर बटन को कंटिन्यू 5 बार प्रेस करना है तो इमरजेंसी मैसेज सेंड हो जाएगा जिन कॉन्टेक्ट्स को आपने ऐड किया है इमरजेंसी SOS में। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर भी कैलकुलेट किया। यहाँ पे जो इसका बेंचमार्क स्कोर आ रहा है वो 170,000 के आसपास आ रहा है, यानी कि 170,000 से 180,000 के आसपास इसका बेंचमार्क स्कोर वेरी करता है। और साथ में जो कॉल एंड का ड्यूरेशन है वो इस अपडेट के बाद फिक्स किया गया। कॉल एंड का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था, यानी कि कॉल एंड करने के बाद थोड़ा टाइम ले रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं अपडेट के बाद ये मिलीसेकंड में ही कॉल को एंड कर देता, यानी जैसे ही आप टच करेंगे एंड कॉल में तुरंत एंड कर देगा। यानी ये जो छोटी छोटी बग्स हैं ये फिक्स की गई हैं Redmi Note 7 Pro में। इसके साथ साथ जो कॉल का टाइमर होता है वो ओवरलैप हो रहा था नोटिफिकेशन से, तो ये जो छोटी छोटी बग्स हैं उन्हें फिक्स किया गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे गेमिंग की बात करें और गेमिंग में सबसे पहले आपको PUBG की ग्राफिक सेटिंग्स चेक करा दे तो इस अपडेट के बाद भी आपको HD विद हाई फ्रेम रेट तक का मैक्सिमम ऑप्शन मिल रहा है और गेम प्ले इस अपडेट के बाद भी काफी स्मूथ है, यानी हमें किसी भी तरह की लैगिंग या फ्रेमिंग का इशू देखने को नहीं मिला। साथ में मल्टीटच का कोई इशू नहीं था, आप देख सकते हैं गेम प्रॉपर वर्क कर रहा है, किसी भी तरह की हमें यहाँ प्रॉब्लम नहीं गई गेम प्ले करने में, यानी गेमिंग से रिलेटेड हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली इस अपडेट के बाद भी। इसके साथ साथ यहाँ पे लैंडस्केप मोड में कुछ डिवाइसों में लो बैटरी का नोटिफिकेशन नहीं आता था, लेकिन इस अपडेट के बाद वो भी फिक्स कर दिया गया। और अगर हम यहाँ पे इसका बैटरी बैकअप आपको कैलकुलेट करके शो करें तो बैटरी ड्रेन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हमने मोबाइल को 100% चार्ज कर लिया था, हमने हाई स्पीड डेटा प्लान वाली एक्टिवेटेड सिम लगाई थी और साथ में ब्राइटनेस लेवल फुल कर दिया था और कंटिन्यूस हमने यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म किया था, गेमिंग करी थी जैसे कि Asphalt 8 और PUBG गेम सबसे ज्यादा प्ले किया था। तो यहाँ पे जो हमें इसका बैटरी बैकअप मिला है वो 5 आवर के आसपास है, यानी 5 घंटे चल गया मोबाइल हमारे हैवी टास्क परफॉर्म करने के बाद। तो हम ये बोल सकते हैं कि बैटरी बैकअप हमें प्रीवियस वर्जन से थोड़ा सा इंप्रूव लग रहा है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रीवियस वर्जन और अपडेटेड वर्जन में कोई मेजर डिफरेंस तो नहीं है बैटरी बैकअप में, लेकिन बैटरी बैकअप इसका कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस अपडेट के बाद, क्योंकि Xiaomi की ज्यादातर अपडेट्स में हमें बैटरी बैकअप कम होती हुई नजर आती है डिवाइसों की, लेकिन इस अपडेट के बाद हमें थोड़ा सा बैटरी बैकअप बढ़ता हुआ या फिर सिमिलर लग रहा है। अगर बैटरी बैकअप से रिलेटेड कोई इशू है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। इसके बाद अगर हम यहाँ पे चार्जिंग टाइम कैलकुलेट करके आपको शो करें तो हमने यहाँ पे रेगुलर चार्जर का यूज किया था, 5V 2A वाले चार्जर का यूज करके चार्जिंग टाइम कैलकुलेट किया है। तो इस अपडेट के बाद भी हमें चार्जिंग टाइम में कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, यानी कि Redmi Note 7 Pro को हमें कंप्लीट चार्ज करने में 2 आवर 30 मिनट के आसपास का टाइम लग जाता है खुद के रेगुलर चार्जर का यूज करके, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि चार्जिंग टाइम हमें काफी ज्यादा मिलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि Redmi के अदर डिवाइस 2 आवर के अप्रोक्स में 4000mAh बैटरी कैपेसिटी को चार्ज कर लेते हैं। तो कुछ इसी तरह के चेंजेस हुए हैं इस अपडेट के बाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ World।